नमस्कार, आज हम बनाएंगे चने दाल और चावल के आटे से बनी हुई पिट्टियाँ, जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चना दाल को धो करके थोड़ा पानी डालूंगी इसमें, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, और इसे कुकर को बंद कर देंगे और 4 से 5 सीटी लगने तक जो है इसे पका लेंगे। पानी का ध्यान रखना कि पानी ज़्यादा नहीं डालना है। और अब हमारे साथ में है मेरी दीदी, जो पटना से आई हुई हैं और ये बिहार की फेमस दाल पिट्टी बना रही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपने दाल को फ्राई करना है, तो इसके लिए डाल रही है मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में, और तेल गर्म होने के बाद हींग डाला है, साथ में लहसुन अदरक और हरी मिर्च डाल दिया इसमें, और इसे थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर डालने से चने दाल का टेस्ट जो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसे सभी को भले अच्छे से भून लेना है, फिर दाल को जो बॉयल कर रखा है वो इसमें डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से भूनेंगे। अगर दाल थोड़ा सा कड़ा रह गया हो तो इसको हम मैशर से हल्का सा मैश कर लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट सा हमारा स्टफिंग तैयार हो गया दाल का। अब इसे ठंडा होने के लिए हम किसी बाउल में पलट देंगे, और अब हम पानी तैयार करेंगे और उसमें गर्म पानी में डालेंगे थोड़ा सा नमक और पानी को उबलने देंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तब चावल के आटे को थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हुए चलाते जाएंगे। यहाँ बस ध्यान रखना कि लगातार चलाते रहना है, नीचे आने से चावल का आटा जो है वो तली में चिपक से जाएगा। तो लगातार चलाते हुए जब पूरा आटा अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक चलाना है, फिर से एक बर्तन में पलट ले। अभी आटा बहुत गर्म है तो ठंडे पानी से बार बार हाथ धोते रहेंगे इसको, और इसके बाद इसको अच्छे से हमें गूंथ लेना है, खूब अच्छे से मैश करना है। तो आटा देखिए सब सॉफ्ट सा बनेगा, अदरवाइज क्या होगा पिट्टियाँ फट जाएंगी। तो चावल को अच्छा से यहाँ पे मैश कर लिया है, आटा तैयार हो गया है। और यहाँ पे देखिए मम्मी और दीदी हैं, ये दोनों भरने का काम कर रही हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस तैयार हो गया है, चले गोलियों को ऐसे भरावन के लिए कटोरी सा बना लिया है, और इसमें दाल को अच्छे से स्टफ करना है। थोड़ा थोड़ा नहीं डालना, पूरा अच्छे से फिल कर देना ऊपर तक, और हल्का सा प्रेस कर लिया ताकि फटे नहीं, और इसलिए हल्का हल्का हाथ में बार बार ऑयल भी लगा देना है। और ये देखिए गोल गोल सी आप पिट्टियाँ तैयार हो रही हैं। तो कुछ आप लंबे शेप, गोल शेप, सभी शेप के बन सकते हैं यहाँ पे, कुछ शेप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो तैयार हो गया, अब हम इनको पानी में पकाएंगे। तो पानी गर्म हो गया, किसी फैले हुए चौड़े बर्तन में डालेंगे, और गर्म होने के बाद सारी पिट्टियों को इतनी पिट्टी डालेंगे कि सभी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो। तो हमने आधी पिट्टी डाली है, और पानी में उबाल आ जाएगा तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे इस पानी में बॉयल करेंगे, और वो थोड़ा सा हल्का हो गया और कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, बस इसको हम निकाल लेंगे। तो पिट्टियाँ हमारी यहाँ पे तैयार हो गई हैं। आप इसे ऐसे भी ठंडा होने के बाद खा सकते हैं, लेकिन इसे इसका एक और वर्जन है कि हम इसे और थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा इसे फ्राई करेंगे। तो मस्टर्ड ऑयल गर्म किया, यहाँ पे सरसों के दाने डाले हैं, इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और जो हमने अभी पिट्टियाँ को बॉयल करके बनाई हैं वो इसमें डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी सा आएगा और टेस्टी लगता है ये। और करने के बाद इसे आप ऐसे पूरा गोल गोल ही अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं, अदरवाइज इसे हम कट करके भी सर्व करेंगे, वो देखने में भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। बस 2 से 3 मिनट इसे हमें भूनना था, तो ऐसे हम कट कर लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा देखने में लगेगा, और ये थोड़ा सा खाना वो 1-2 पीस खा सकते हैं। तो हमारा प्लेटिंग तैयार हो गई है, कुछ हमने कट कर रखे हैं, और साथ में यहाँ पे हरी स्पाइसी चटनी लगाई हुई है। तो हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया,